नमस्कार। हमने ये निर्णय लिया है कि जून के महीने में भी IUI कैंप कंडक्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स को बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिला है और बहुत पेशेंट्स ने रिक्वेस्ट किया एक और महीना इसे एक्सटेंड किया जाए। अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए और IUI करवाइए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कौन से ऐसे खाने के पदार्थ हैं जिससे मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि गर्भ में बच्चा ना रुकना होते हैं? खाने से ज़्यादा पीने की बात करेंगे, कॉफ़ी, टी और सोडा, यानी कि आप कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं, इन सब में कैफीन के होने की मात्रा ज़्यादा होती है और ये स्टडीज़ ने दिखाया है कि कैफीन के कारण मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं। जिन फूड्स में कैफीन होते हैं उससे मिसकैरेजेस ज़्यादा देखेंगे। एक स्टडी में जिसमें गर्भवती लोगों ने कैफीन कंज्यूम किया, ये स्टडी किया गया कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान कितना कंजम्पशन हुआ है, कितने बार पिया गया है और किस मात्रा में पिया गया। तो ये देखा गया कि जो औरतें जब गर्भवती थी, कॉफ़ी पी रही थी या टी या सोडा ले रहे थे, जो कंटिन्यूस कैफीन का सेवन कर रहे थे, उनमें अर्ली मिसकैरेजेस ज़्यादा देखे गए हैं। अब ये अर्ली मिसकैरेजेस क्या है? मिसकैरेजेस दो तरह के होते हैं, अर्ली या लेट। अर्ली वो होता है जहाँ पे, मतलब जल्दी वाला मिसकैरेज वो होता है जहाँ पे स्कैन के पहले, यानी कि दिल की धड़कन दिखने के पहले ही मिसकैरेज हो जाना। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जब जाते हैं उसमें हार्ट बीट का ना रहना अर्ली मिसकैरेज कहा जाता है, जो लगभग 14 दिन के बाद, मतलब पीरियड मिस होने के 14 दिन के बाद होता है। तो ये हुआ अर्ली मिसकैरेज। लेट मिसकैरेज वो होता है जो इस पीरियड के बाद होता है। जो भी है मिसकैरेज वो होता है जो बच्चे का गिर जाना 13 वीक्स के अंदर, मतलब 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अगर बच्चा गिर जाता है तो उसे मिसकैरेज कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आप कॉफ़ी, टी और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।